देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नवा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर श्री श्याम परिवार सेवा समिति के 5वें वार्षिक उत्सव को लेकर श्री बाग के गणेश जी महाराज मंदिर परिसर से निकली भव्य कलश यात्रा उमड़ा जन सैलाब। श्री श्याम परिवार सेवा समिति के सदस्य गौतम खंडेलवाल ने बताया कि सेवा समिति द्वारा पंचम वार्षिक उत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर सभी कार्यकर्ता पिछले काफी दिनों से जी जान से जुटे हुए थे। मंगलवार को श्री श्याम परिवार सेवा समिति के पंचम वार्षिक उत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य कलश यात्रा के साथ जोरदार आगाज हुआ, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। शाम 5:15 बजे श्री बाग के गणेश जी महाराज मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों गणेश चौक, पिंपली बाजार, सुभाष चौक, मेन बाजार, हॉस्पिटल रोड होते हुए सांवरिया भवन पहुंची, जहां विधिवत रूप से कलश यात्रा का समापन किया गया। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर पत्रक बांटकर गणमान्य नागरिकों व आमजन से अधिक संख्या में पधार कर दोनों भव्य कार्यक्रमों को सफल बनाने का आग्रह किया गया। आयोजक भगवती प्लांट कंपनी परिवार के राम कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार अग्रवाल, सज्जन कुमार अग्रवाल, राकेश अग्रवाल सहित परिवारजनों के सौजन्य से होने वाले वार्षिक उत्सव में 20 सितंबर को बाग के गणेश जी मंदिर से आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। इस दौरान कलश यात्रा का शहरवासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं 21 सितंबर को सांवरिया भवन में विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें ख्यातनाम गायक कलाकार राज पारिक कोलकाता, निशा द्विवेदी भोपाल, कोमल शर्मा जयपुर, मनोज शर्मा गोविंदगढ़, पीयूष कुमार इंदौर के साथ ही स्थानीय भजन गायक गौतम खंडेलवाल, ललित चावड़ा, नरेंद्र अजमेरा, मुरली पारासर, बबली सबनानी, तुषार गोड़, अमन शर्मा आदि भी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। इस अवसर पर बाबा श्याम का भव्य विशाल दरबार सजेगा एवं बाबा के 56 भोग का प्रसाद, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा आदि होगी। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।